एन दी नेम ऑफ अल्लाह दी मोस्ट बेनिफिशेंट एंड दी मोस्ट मर्सीफुल मे द्लैसिंग एंड बनजन ऑफ अल्लाह शावर पांडू माई लविंग स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड ऑनरेबल ऑडियंस मैं आज आपको जिस पोएम की समरी पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है डेफोडिल्स लेकिन मेरी तमाम रिस्पेक्टेड ऑडियंस से रिक्वेस्ट है ये मेरा चैनल एन के नाम से इसको कभी भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इन आपको नाइन्थ और टेंथ क्लास और इसके साथ ही आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बी की तमाम के तमाम जो इंग्लिश का सलेबस है उसकी नई से नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी और आप घर बैठे एक टीचर से मुस्त हो सकते हैं मैं प्रोफेशन के लिहाज से लॉयर हूं, लेकिन टीचिंग इज़ माय पैशन एंड विद इमोशंस एंड विद पैशंस आई आलवेज़ ट्राई टू टीच आज ये जो पोएम है डेफोडेल्स ये इसकी समरी मैंने पहले इसको इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर इसकी पिक लेना चाहे स्क्रीन शॉट लेना चाहे और इसको इसी तरीके से अगर याद कर लेगा तो इन अल्लाह के फ़जल से नबी करीम की बर्तों से बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है मैं लाइन टू लाइन ये नाइन्थ क्लास की फ़र्स्ट पोम है आई थिंक दैट चैप्टर नंबर ये फाइव है इसकी समरी है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इससे पहले मेरे लेक्चर में इसकी टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाई थी तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी रीडिंग नेम नेमोडेर्स रिटर्न बाय विलियम वर्जवर्थ हु इज अ रोमांटिक पोइट जो कि एक रोमानवी शायर है दिस पोएम हैज बिन रिटर्न ये नजम लिखी गई है बाय विलियम वर्जवर्थ विलियम वर्जवर्थ से ए रोमांटिक पोइट जो कि एक रोमानवी शायर है ये नज़म एक रोमानवी शायर विलियम वर्जवर्थ ने इसको लिखा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने लिखा है बहुत ही खूबसूरत इम्प्रेसिव और फोर्सफुल किस्म की उसकी लैंग्वेज होती है ही इज़ नोन एज दी पोइट ऑफ नेचर उसको हम फितरत का शायर कहते हैं नेचर के बारे बहुत ही हार्ट रेंचिंग हार्ट रेंडरिंग और हार्ट एलियोरिंग किस्म की शायरी करता है बिकॉज ऑफ इज लव फॉर इट क्योंकि वो फितरत से प्यार करता है जो लफ्ज़ यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है ये नेचर के लिए इस्तेमाल हुआ है मोस्ट ऑफ इज पोएम्स उसकी ज़्यादातर नजमें जो हैं डिस्क्राइब्स बयान करती हैं नेचर फितरत को एंड इट्स ब्यूटी और इसकी खूबसूरती को इन दिस पोएम इस नजम के अंदर ही डिस्क्राइब्स वो बयान करता है बयान मतलब एक वाक आया था उसका एक तजर्बा हुआ था जब वो महजूज हुआ था एट दाइट एक मंजूर को देखकर आफ ब्यूटिफुल्स जब उसने बहुत ही खूबसूरत डेफोड्स के जिसको उर्दू में नरगस आबी कहते हैं उसके फूलों को देखकर जब वो बहुत ही ज्यादा महसूस हुआ था इसके साथ ही हमें वो अगले पैराग्राफ में कहता है इन दिस पोएम इस नजम के अंदर ही एन एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ डेफोडिल्स ही स्टेट्स वो बयान करता है दैट ही वॉज वॉकिंग इन कंट्री साइड के एक दिन वो एक देही इलाका एक देहाती शहर से बाहर एक कंट्री साइड में घूम रहा था स्टेट्स स्टेट्स का मतलब यहाँ पे बयान करना किसी चीज को स्टेट से लफ्ज स्टेटमेंट निकला है जो हम कोई अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं ही स्टेट्स दैट वंस ही वाज वॉकिंग एक दफा वो गुजर रहा था एन दंट्री साइड एक दही इलाके से सडनली अचानक ही केम अक्रॉस ए माई लविंग स्टूडेंट्स ये जो लफज केम अक्रॉस है इसका मतलब होता है अचानक आमना सामना हो जाना आपके सामने किसी चीज़ का अचानक आ जाना ही केम अक्रॉस आ लार्ज नंबर ऑफ डेफोड उसके सामने बहुत ही ज्यादा डेफोड नरगस से आबी के फूल उसको नजर आए और जब वो एक दिन शायर हमें इस नजम के अंदर जो कि विलियम वर्सवर्थ ने लिखी है एक रोमानवी शायर है और उसकी फ़ितरत के साथ मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दिन जब वो जब एक दिन उसके साथ ये वाक़ पेश आया उसको तजर्बा हुआ और वह एक ख़ूबसूरत इम्प्रेसिव फोर्सफुल और अट्रैक्टिव साइट को जब उसने देखा जब वह दही इराक़े में से गुजर रहा था उसका उसको क्या उसके सामने आया अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा हजूम जो था ए लार्ज नंबर ऑफ एक बहुत बड़ी तादाद में जो वहाँ पर नर्गस के फूल खिले हुए थे उसके सामने आए दे वर मूविंग दे दे का मतलब यहाँ पे फूलों को वो तशबी दे रहा है दे वर मूविंग वर मूविंग देयर हेड्स वो अपने हेड्स को लहरा रहे थे कौन लहरा रहे थे डेफोडिल्स के फूल एंड डांसिंग विद जेंटल ब्लास्ट ऑफ विंड और हवा की आवाज़ के साथ ही जब वो आपस में ब्लास्ट कर रहे थे टकरा रहे थे तो उस वक्त वहाँ पर उनके हेड्स जो थे उन फूलों के वो हवा के साथ लहरा रहे थे और एक आवाज़ पैदा कर रहे थे और लग रहा था कि जैसा कि वो खुशी से डांस कर रहे हों झूम रहे हों चीयरफुली खुशी के साथ मसरत के साथ आर जेलो ट्रम्पेट्स ऑफ स्प्रिंग बहुत खूबसूरत लाइन है कहता है कि ये जो नरगस के फूल हैं आर येलो इनका कलर येलो होता है ट्रम्पेट्स ये एक बाजा होता है एक साज होता है अब स्प्रिंग बहार का, इनके आने से डेफोडिल्स के जो फूल है लगता है कि ये बहार के आने का एक साज बजा रहे हैं एक तराना गा रहे हैं और एक बगल बजा रहे हैं और एक आने का हमें बता रहे हैं कि बहार जो है वो आने वाली है अपियर एंड वर शाइनिंग लाइक दिल्ली वे मिल्कि वे देखिए यहाँ पे वो किस तरीके से इसका कंपेरिजन करता है आसमान के साथ उस पूरे इलाके का जिस तरीके से आसमान के ऊपर कहकशाह होता है स्तारे चमक रहे होते हैं कहता है इसी तरीके से वो मुझे नजर आए जाहिर हुए एंड वर शाइनिंग वो चमक रहे थे फूलों का चमकना और सितारों का चमकना लाइक मिल्की वे और वो जिस तरीके से एक कह कह शाम सतारे चमक रहे होते कथा इसी तरीके से वो नज़र आ रहे थे इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे कहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं ये हमारे फूल हैं और इन इन सितारों को इनकी हम चमक भी देंगे क्योंकि ये सितारों की मानद दमक रहे हैं और चमक रहे हैं ही सीदैम थाउजेंड्स फ्लावर्स वो देख सकता था कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में फूल थे ऐटाग्लांस एक ही नज़र में एटा ग्लैंस एक ही नज़र में वो देख सकता था जब उसकी एक ही दफ़ा नज़र पड़ती थी हजारों की तादाद में फूल उसके सामने उसको नज़र आ रहे थे देवर वेरी अट्रैक्टिव वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश थे खूबसूरत थे एंड चार्मिंग और दिल को मोह लेने वाले दिल को लुभाने वाले अट्रैक्टिव खूबसूरत चार्मिंग, जो दिल को बहुत अच्छे लगते हों। इससे पहले एक लाइन गुजरी थी एट अस एक ही नजर में देवर वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। वो बहुत ही खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाले थे वो काफी देर तक इन फूलों को देखता रहा क्योंकि वो उनमें एब्जॉर्ब हो चुका था उनमें खो चुका था ही लुकड एट दी फ्लॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देफ्ट आ लास्टिंग इम्प्रेशन लास्टिंग इम्प्रेशन गहरा असर जो के माइंड पे कोई चीज़ छोड़ जाती है गहरे नकुश इसको फार रीचिंग इम्पैक्ट भी हम कहते हैं उसने उसके दमाग पर गहरे असरात छोड़े अपान हिज माइंड उसके जहन पर एज ए रिजल्ट नतीजतन नतीजा आखिरकार वेन एवर ही alone, अलोन जब कभी वो तन्हा होता है एंड इन अ थिंकिंग और sad मूड जब वो कभी ख्याल में गुम होता है या कभी उदास होता है The same sight कम्स इन टू imagination. imagination अमेजिनेशन and fills हिज हार्ट विद प्लेयर और उसका दिल खुशी से भर जाता है imagination कहते हैं तस्वरात को जब वो कभी अकेला होता है और उदास होता है और परेशान होता है तो क्या होता है तो एज ए रिज़ल्ट जब वो कभी अकेला उदास या कभी कुछ सोच रहा होता है या किसी सोच में गुम होता है तो अपने आप को महसूस करने के लिए अपने आप को खुश करने के लिए वो क्या करता है वो उसी ख्यालात को उसी ख्याल को वो जो डेफोड्स का एक उसके जहन में ख्याल था जो जब कभी उनसे वो देखा था उसने उनको तो वह ख्याल उसके दिमाग में आते हैं द सेम साइट कम्स इन टू हिज माइंड वही साइट वही मंजर एस आई जी आई टी वही मंजर उसके जहन में आ जाता है एंड फिल्स हिज हार्ट विद प्लेयर और उसका दिल खुशी से भर जाता है एज अ पोएट एज ए पोएट थ्रोज लाइट ऑन दिस साइट विद दिस टू ब्यूटीफुल लाइन्स शायर इनके ऊपर कुछ यूँ रोशनी डालता है एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फेयर्स एंड डांस विद दर टेक्सट में से दोनों लाइने कोटेशन के तौर पर हवाले के तौर पर लिए गई हैं एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर और फिर मेरा दिल खुशी के साथ भर जाता है एंड डांस विद द डेफोड और मेरा दिल और दमाग डेफोडिल्स के साथ ही झूमना शुरू कर देता है इसकी अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा था कि वो शायर ने बहुत खूबसूरत वो जो लेक थी जो लेक के किनारे वो फूल उगे हुए थे और उनका अक्स जो एक पानी के अंदर जा रहा था पानी के अंदर जो वेव्स थी लहरें थी जब वो डांस कर रही थी लहरा रही थी ऊपर नीचे जा रही थी लग रहा था कि ये डेफोड भी डांस कर रहे हैं जिस तरीके से वो डेफोडेल्स पानी के अंदर पानी की लहरों के अंदर उनके अक्स के जरिए वो डांस कर रहे थे इसी तरह से लग रहा था कि शायर का दिल भी झूम रहा है खुशी से दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम ए परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर ये तजर्बा जो था ये उस शायर के लिए एक मसलसल हमेशा रहने वाला ख़ुशी का जरिया बन चुका था दिस पोएम इज़ अ ट्राइब्यूट टू नेचर ये नज़म एक खराज अकीदत पेश करती है ट्राइब्यूट खराज अकीदत पेश करती है टू नेचर फितरत को एंड इट्स मैनिफेस्टेशन और इसके मज़ाहरे फितरत को कुदरत के नज़ारे को मैनिफेस्टेशन कुदरत के नज़ारे को इन इट्स ग्लोरी अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी शान और शौकत के साथ अज़मत के साथ और वकार के साथ जैसा कि एज जॉन कीर्ट्स जॉन कीर्ट्स जो कि एक रोमानवी शायर है इसको हम ए पोइट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज डाई फॉर एवर ये उसकी पोइट्री में से ली गई हैं जॉन कीर्ट्स की कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी एक जो खूबसूरती होती है वो हमारे लिए एक ख़ुशी का जरिया होती है माई स्टूडेंट्स ये आप इसको सारी के सारी पॉइंट को लिख भी सकते हैं इसको याद कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड लेकिन इसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस भी रिलेटेड टू दिस पॉइम आप करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ भी याद कर लेते हो तो, तो इन शाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगी और आप इसको पिक ले सकते हैं ये मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो तमाम के पास नोट्स मौजूद हैं इन अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा किसी साइट पे दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड भी वो नोट्स कर सकते हैं मेरे तो अगर आप इसकी पिक भी ले लें तो आप इसको याद कर सकते हैं अल्लाह हाफिज़